हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि अभी तक कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और उसमें से कितने बच्चों ने फी पेमेंट भी कर चुके हैं, और हम रीजन वाइज बात करने वाले हैं किस स्टेट से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और किस स्टेट से बच्चे ज़्यादा अप्लाई करा, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं किस बोर्ड से, मतलब सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, आईसीएसई बोर्ड से कितने किया है, और हम स्टेट बोर्ड्स में बात करने वाले हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया, इन बोर्ड से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 21 सेशन के लिए जो फर्स्ट कटअप है, फर्स्ट कटअप कब रिलीज होने वाला है, इसका भी अपडेट आया हुआ है। अपडेट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट के थ्रू मिला है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी तक जो 318,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स के लिए, और यूजी सीट्स की बात करें तो आपके लगभग 70,000 सीट्स अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए। बट अभी लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ही बस अपनी फी पेमेंट को कंप्लीट किया है, ठीक है। लगभग 318,000 बच्चों ने अप्लाई किया है और उसमें से 1.5 लाख बच्चों ने अपनी फी पेमेंट कंप्लीट किया, मींस अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया है, ओके। और इसमें हम बात करें तो लगभग 82,000 जो स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं और 65,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल्स का यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन है वो ज़्यादा है बॉयज़ के कंपैरिजन में, ओके। अब रीजन वाइज बात करते हैं कि किस स्टेट से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। दिल्ली एनसीआर से अभी तक 20,398 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये हर बार यही ट्रेंड रहा है कि दिल्ली एनसीआर से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस बार भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट की बात करें तो किस स्टेट से है, तो सबसे लोवेस्ट आपके उड़ीसा से है और मेघालय से। उड़ीसा और मेघालय से बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो हम ईसीए की बात करते हैं और स्पोर्ट्स के कितने बच्चों ने अप्लाई किया अभी तक। ईसीए की बात करें तो ईसीए में अभी 8,333 बच्चों ने अप्लाई किया है ईसीए कैटेगरी के अंदर। और स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें हम तो यहाँ पर लगभग 5,187 बच्चों ने स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। तो हर साल की तरह इस बार भी वही ट्रेंड रहा है कि दिल्ली एनसीआर से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किया है, और जो आपके उड़ीसा और मेघालय से भी बच्चे हमेशा कम अप्लाई करते हैं, तो इस बार भी वही ट्रेंड रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है इस बार नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको किसी न किसी कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या फिर किसी कोर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कोर्स या कॉलेज ज़रूर मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं कौन से बोर्ड से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो हर साल की तरह इस बार भी सीबीएसई बोर्ड से सबसे ज़्यादा अप्लीकेंट्स जो हैं जो कि अप्लाई करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। सीबीएसई बोर्ड से लगभग 1,21,796 बच्चों ने अभी तक अप्लाई करा है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे आईसीएसई बोर्ड आ जाता है, यहाँ पे आपके 4,817 बच्चों ने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आता है हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से 4,723 बच्चों ने अप्लाई किया है। उसके बाद आता है यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड से 2,984 बच्चों ने अप्लाई किया है यूपी बोर्ड। ये तीन जो लास्ट के बोर्ड हैं ये स्टेट बोर्ड हैं, ओके। आपका नेक्स्ट आ जाता है केरला बोर्ड, केरला बोर्ड से 2,178 बच्चों ने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने सबको डिस्कस कर दिया है, अब बात करते हैं कटअप से रिलेटेड कि फर्स्ट कटअप 21 सेशन के लिए कब आएगा और उसका एडमिशन कब होने वाला है। इस बार एडमिशन थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले जो आर्टिकल के थ्रू ये बोला था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कटअप है सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी बोला था कि ये कंफर्म नहीं है कि आना ही वाला है। ये आपको जो फर्स्ट कटअप की जो अब अपडेट आ रही है ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कटअप की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2021 को आने वाली है। ये कह सकते हैं आपकी फर्स्ट वीक हो अक्टूबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कटअप रिलीज़ होगी।
और उसका एडमिशन जो स्टार्ट होने वाला है 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को छुट्टी है, मतलब हॉलीडे है, तो उस दिन एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कट ऑफ आने वाले हैं अब अक्टूबर में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक आपको रिलीज हो जाएंगे, हो सकता है कि सितंबर के लास्ट वीक तक भी आ सकते हैं, बट आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और